कटेगा, ठीक है जी। फिर जब सूद सूद आम हो जाए तो मौत जो होगी वो एक आम चीज बन जाएगी उस कौम की, यानी कि आए रोज मौतें हो रही हैं, और वो भी मौतें भी ऐसी कि बिना वजह। बिना वजह कैसे? कि यानी कि बंदा हट्टा कट्टा कल चल रहा था, एकदम से आज फौत हो गया, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। और देखिए आज हम देख रहे हैं बाकायदा ऐसी चीज हो रही है, नहीं कोई वजह नहीं, बस वो बंदा खड़ा सही था, बिल्कुल सही था, अभी यहाँ पर आया, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे होने वाले थे, देखें वो फौत हो गए। तो वही वाली बात है ना कि मौत जो है बिल्कुल आम सी एक चीज हो गई है। और जो जो कौम, फिर वही वाली बात है कि हर चीज में, लेन देन में नफी करेगी या ज्याती करेगी तो अल्लाह ताला उनका रिस्क काट देता है। सुन रहे हैं आप लोग? तबरानी ने इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मरवी है कि आप से सलम ने फरमाया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं कि जब जो कौम नफी या ज्याती करेगी, ठीक है, लेन देन में, तो अल्लाह ताला उनका रिस्क ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला उनका रिस्क, जी। अब हमने पहले पढ़ा था कि जहाँ पे जो लोग नफी या ज्याती करेंगे लेन देन में तो अल्लाह ताला उनके बीच में क्या करेगा? हाँ जी, तो कहफ और रिस्क खत्म करना एक ही चीज़ है ना, क्योंकि कहफ में भी वही होगा ना कि जाहिर सी बात है बंदे के पास, जी, ठीक है। और जो कौम हक के खिलाफ खड़ी होगी तो कत्ल आम हो जाएगा, और जो लोग अपने वादे से खिलाफी करें, ठीक है, तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को उनके ऊपर गलबा पैदा दे देगा, ठीक है जी। तो ये दूसरी वाली हदीस है, दोनों हदीस में थोड़ा सा फ़र्क है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो कट जाएगा उनका रिस्क कट जाएगा, इसका क्या मतलब होता है रिस्क के कटने से? एक तो कहफ जो होता है, कहफ का मतलब क्या होता है? कहफ का मतलब होता है कि या तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, या तो वो ज़्यादा हैं लेकिन इंसान के पास पैसा नहीं है ख़रीदने के लिए, जी, पैसे की कमी होती है, ठीक है। तो अब गरीबी का मतलब क्या होता है? गरीबी का मतलब है फ़कीरी का जो मतलब है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पैसा नहीं हो, नहीं, क्या इसका यही मतलब है कि पैसा नहीं हो? नहीं, वो बात नहीं है, नहीं। फ़कर का मतलब जो है इससे भी ताल्लुक़ होता है कि हज, यानी कि हाजतमंद होना। अब देखिए पाकिस्तान में ज़ाहिरन हमारे पास हर चीज़ है, हम यहाँ पे बिजली का कर सकते हैं, अपने खाने पीने का कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम है, और हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हैं। जो हम मुल्क में मंगवाते हैं वो ज़्यादा है, जो हम मुल्क से भेजते हैं वो कम है, यानी कि हम जो हैं अभी भी दूसरों के ऊपर, अभी भी हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, हम हाजत में हैं दूसरों के ऊपर। अब कल अगर कोई रोक दे या कल उसमें वो प्राइस में ऊंच नीच कर दे, क्या हम बोल सकते हैं? अब दुकानदार के पास आप जाएं, आपको तो ब्रेड की ज़रूरत है, आपने तो ब्रेड लेनी है जी। अब दुकानदार आगे से कहे जी नहीं भाई मैं नहीं दूंगा आपको ब्रेड, आप क्या करेंगे? अब आपको तो ब्रेड की आदत ही है, आप खाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो आप वो आपसे जो भी कुछ करवाए वो कहे चलो ठीक है तुम मुझे ना 10 दिरहम ज़्यादा दे दो, आप कहेंगे जी ठीक है जी। वो कहेंगे चलो तुम अभी 20 बच्चे भी मेरे नाम कर दो, कहेगा ठीक है जी। वही बात है ना, अब ज़रूरतमंद हो गया ना। तो जब फ़कर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसे नहीं होना, फ़कर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है जी। और आप देखिए कि आज की तारीख में वाकई में हम एक दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा हर चीज़ में, अब अगर हमें सफ़र करना है हम सफ़र नहीं कर सकते, खुद हम सफ़र कर सकते हैं नहीं, कोई भी मुल्क की हुकूमत जो है वो आपसे वीज़ा मांगेगी, पासपोर्ट मांगेगी, डिटेल्स मांगेगी, सही है नहीं? ये किसने बनाए हैं, ये सारे कानून किसने पैदा किए हैं? इंसानों ने पैदा किए ना। आज अगर हमने ये पैदा नहीं करे होते तो आज हमें तकलीफें होती नहीं होती, ठीक है। तो हमने बेसिकली अपने हाथ खुद काटे हैं, हम खुद यानी कि एक किस्म के गुलाम बन गए हैं अपने अमाल के, अपनी हरकतों के। हमारे पास पैसा है लेकिन हम हर चीज़ खरीद सकते हैं नहीं, क्योंकि हम हर चीज़ खरीदेंगे तो इनकम टैक्स वाले हमारे पीछे आएंगे या नहीं, वो कहेंगे भाई तुम हर चीज़ क्यों खरीद रहे हो, तुम्हें इतना भी टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि हर चीज़ में हमारे लिए रोक है। तो हम भले ज़ाहिरन यानी कि अपने आप को फ्री कहते हों,
हाँ कहना कि बस यहाँ कमरे का खुला हुआ है, दरवाजा दरवाजा बंद कर दो बेटा। अच्छा जी ठीक है जी, तो वही वाली बात है। तो अब जितना ज्यादा इंसान जो है हाजतमंद होगा उतना ज्यादा उसकी फकर होगी, समझ गए? तो फकर का मतलब समझ गए? अच्छा जी, तो ये तो हमने आगे पहली आयत पढ़ी थी, वैल मुतफ़फ़ीन अल्लदीना इज़्ज़त तलू अलन्नासी यस्तफ़ून यस्तफ़ून, ठीक है। जो इंसान जो है किसी से लेते हैं, इंसानों से, और वो जो है उससे हर चीज़ पूरी मांगते हैं। जब आप लेते हैं तो आप पूरी चीज़ मांगते हैं, ठीक है जी। वैज़ा कलूहू और वज़नूहू युख़सिरून, लेकिन जब आप देते हैं उनको तो आप उनमें कमी करते हैं, ठीक है जी। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, ठीक है। क्या ये अला यज़ुन्नु उलाइका, क्या ये लोगों को एहसास या हिकमत नहीं है? अन्नहुम मबऊसून, क्या ये फिर वापस उठाए जाएंगे? इसका क्या मतलब, उठाए कहाँ जाएंगे? कयामत के दिन। यानी कि हर चीज़ आपकी वही वाली बात है कि कयामत से ताल्लुक़ रखती है, आपकी कब्र से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप फिर उठाए जाएंगे। और कौन से वक्त उठाए जाएंगे? लियौमिन अज़ीम, एक बहुत अजमत वाला खौफनाक दिन। अब देखिए ये भी कह सकते हैं कि भाई एक दिन उठाए जाएंगे, कयामत के दिन उठाए जाएंगे, लेकिन वही वाली बात है कि अल्लाह ताला जगह जगह आपको मगफिरत की, तौबा करने की तौफीक देता है। कैसे? अपनी याद दिलाकर कि ऐ मेरे बंदे, ये दिन बहुत अजमत वाला है, ये दिन बहुत खौफनाक है, दर्दनाक है, तकलीफ देह है, इस दिन से बचो, मैं बार बार तुम्हें बोलता हूँ। अब अगर जैसे मैं बैठ के आपको 24 घंटे बोल दूँ कि आई एम गुड आई एम गुड आई एम गुड, तो दिल में बात बैठ जाएगी कि हाँ जी भाई बीबी जान इज़ गुड। और मैं अगर पूरा दिन बोलूँ कि भाई फलां शख्स बुरा है बुरा है बुरा है, तो वही वाली बात है कि फिर उस बंदे का नाम जो है उसकी बुराई से शामिल हो जाएगा। तो हर इंसान, यानी कि अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें एक हिदायत का फिर मौका मिलता है। हिदायत का मौका मिलता है या नहीं, ठीक है जी। आगे चलिए, अब ये कौन सा दिन होगा? अल्लाह ताला इसको बताते हैं, यौमा यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, ये वो दिन होगा जब इंसान खड़े हुए होंगे रब्बुल आलमीन के सामने। अल्लाह अकबर, यानी कि सोचने वाली बात है। अगर कल मैं नाउज़ुबिल्लाह, देखें जब इंसान यहाँ पे कोई केस के ऊपर पकड़ा जाता है, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा जज के सामने आने का ये दिन है, इंसान उस दिन से पहले सारी तस्बीहात करता है या नहीं? सारी तस्बीहात करेगा, बुरे से बुरा बंदा भी बैठ के जो है ना जेल में बैठ के तस्बीहात करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहीं पर अल्लाह की याद आएगी कि अल्लाह ताला तू बेहतर हाकिम है, ये तो दुनिया का जज है, तू जज है दुनिया का। बुरे अमाल करते उसको याद नहीं आए कि अल्लाह जज है, अब जब तकलीफ में है तो उसको याद आ रही कि अल्लाह जज है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि उधर तो हमें ये सहूलत होती है दुनिया में कि हमें मालूम है कि कल हमें पेश होना है, अब कयामत तक किसी को मालूम है नहीं? मालूम ना, तो हमें नहीं मालूम कि अल्लाह के आगे कब पेश होना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, ये इसलिए अल्लाह ताला ने इस दिन का ताल्लुक इस बात से लगाया है, सिर्फ ऐसी बिना वजह कोई आयत नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कैसा दिन है जब तुम्हें मेरे आगे पेश होना है और इस दिन का तुम्हें मालूम ही नहीं है, ठीक है। कल्ला इन किताब अल फुजारी लफी सजीन, नहीं ये जो किताब है फाजिर की, जो गुनहगार है जो बदकार है, वो मौजूद है सजीन में, ठीक है सजीन में। पहले आगे बढ़ते, मैं आपको बताती हूँ उसके ऊपर। वमा अदरा का मा सजीन, आपको कौन बताए सजीन क्या जगह है? किताब मरकूम, ये वो किताब है जो लिखी गई है, ये वो किताब है जो लिखी गई है। अल्लाह ताला जो यहाँ पे फरमाते हैं, ठीक है अब यहाँ पे रुकें। अब सिजीन क्या है? सिजीन जो है, सिजन से वर्ड है, इसका मतलब जो है जेल में, यानी कि कैद खाना, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था ना कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिनों के लिए सिजीन है, जेल है, और काफिलों के लिए जन्नत है, ठीक है। और ये वाकई में हकीकत है या नहीं? क्योंकि हम तो हर चीज़ करने से पहले रुकते हैं या नहीं, सही? हम तो हर चीज़ करने से पहले ये सोचते हैं कि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह के हुक्मों से हम नाफरमान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हकीकतन में ये हमारे लिए कैद खाना है। तो वैसे सिजीन का जो ताल्लुक है, अब सिजीन का क्या मतलब होता है? सिजीन एक ऐसी